विजयपुर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा नगर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार आदि स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने कहा कि पुलिस आयुक्त द्वारा अधिकारियों को चुनाव के संबंध में अहम दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के चलते होटल, रेस्टोरेंट, बार, धर्मशाला व शराब के ठेकों की जाँच की जा रही है। दरअसल गुरुवार को विधायक बाबू जंडेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें विधायक भगवान शिव को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, एक दिन पूर्व ही आप नशे पर भाषण दे रहे थे, आप देख लो अपनी पार्टी के नेताओं का चरित्र किस प्रकार नशे में भगवान भोलेनाथ जी का भी अपमान कर रहे। इन्होंने तो चुनाव परिणाम के बाद अपना मुंह काला करने की बात की थी, लेकिन इस वीडियो के बाद जनता इनका मुंह चुनाव के पूर्व ही काला करेगी। जहां इस विवादित बयान के विरोध में इंदौर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने टावर चौराहे पर बाबू जंडेल का पुतला दहन कर पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। इस अवसर पर आष्टा विधानसभा प्रभारी राजेश सिरोडकर ने कहा कि आज कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल द्वारा हिंदू धर्म की आराध्य शंकर भगवान के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, उसी के विरोध में मानसिक रोगी कांग्रेस विधायक का टावर चौराहे पर पुतला दहन किया और कांग्रेस के जनीवधारी से मांग की है कि इसे तत्काल कांग्रेस से निलंबित। आपने चेकिंग अभियान चलाया सर, किस प्रकार का चेकिंग अभियान और कब तक चलेगा? चेकिंग अभियान कब तक जारी रहेगा सर? सतत रहेगा अभी चुनाव।